ऋग्वेद का गायत्री मंत्र सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम। जापान में बढ़ रहा है मजहबी तनाव, कैसे आज जापान संकट में नजर आ रहा है, क्यों जापान में हो रहे हैं आपसी तनाव, क्या है वजह, कैसे तमाम तनावों के बावजूद सनातन धर्म जापान में अपनी मजबूती कायम किए हुए है, चलिए जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। जापान एक ऐसा देश जिसे उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। ये देश वो देश है जो अपनी संस्कृति से लेकर अपने टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन तक हर चीज से दुनिया भर में अपनी अलग ही पोजीशन रखता है। दोस्तों जापान हर मामले में दुनिया में एक अलग मुकाम रखता है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जापान एक ऐसा देश भी माना जाता है जहां धार्मिक तनाव जैसे दुनिया भर के देशों में देखे जाते हैं ऐसा कुछ नजर नहीं आता। साफ शब्दों में कहें तो जापान को केवल उसकी कर्मनिष्ठा की खूबी के लिए पहचाना जाता है। यहां लोग, यहां संस्कृति, हर चीज एकदम निराली है, लेकिन कुछ सालों से इस देश में भी कुछ ऐसा माहौल बन रहा है जिससे जापान अपनी कर्मनिष्ठा की खूबी के चलते नहीं बल्कि देश में चल रहे तनाव के चलते सुर्खियों में आने लगा है। जी हाँ, और हैरान की बात यह है कि यह तनाव और किसी का नहीं बल्कि धार्मिक तनाव है। ये मजहबी तनाव जितना सुनने में आम लगता है यह उतना ही खतरनाक भी है क्योंकि ये ना केवल देश बल्कि दुनिया तक की डेमोग्राफी को बदल कर रख सकता है। खैर, जब बात आ ही गई है जनसंख्या की तो अब आपको बता दें कि आज के समय में जापान की जनसंख्या लगभग 12 करोड़ से भी ज़्यादा की है। वहीं बात हो जापान में माने जाने वाले धर्म की तो उसमें बौद्ध, हिंदू, मुस्लिम और ईसाई जैसे सभी धर्म देखने को मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा आबादी शिंटो धर्म की है। शिंटो धर्म को जापान में सबसे बड़ा धर्म माना जाता है, उसके बाद यहाँ बौद्ध धर्म की संख्या है, जिसके बाद हिंदू, मुस्लिम और ईसाई नजर आते हैं। जो लोग शिंटो धर्म के बारे में नहीं जानते उन्हें बता दें कि यह धर्म जापान में प्राचीन समय से माना जाता है। शिंटो धर्म का कोई संस्थापक या कोई भी ऑफिशियल शास्त्र वगैरह नहीं है बल्कि यह धर्म तो प्रकृति में मौजूद दिव्य आत्माओं, शक्तियों और जीवन के सभी पहलुओं पर श्रद्धा रखने वाला धर्म है। इस धर्म को जापानी लोक कथाओं, रीति रिवाजों और एनिमिज्म बिलीफ पर बनाया गया है। इस धर्म की सबसे खास बात यह है कि इस धर्म में किसी भी तरह का बिलीफ सिस्टम या कह सकते हैं कि इसमें मान्यताओं को नहीं माना जाता है बल्कि यह धर्म तो ग्रेटफुलनेस, सच्चाई और नेचुरल वर्ल्ड के साथ जुड़ा हुआ है। प्राचीन और सबसे बड़ा धर्म होने के नाते जापान में सबसे ज्यादा शिंटो धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। वैसे यहाँ बौद्ध धर्म की अच्छी खासी संख्या है और यही वजह है कि जापान को मंदिरों और तीर्थस्थलों का भी देश कहा जाता है। लेकिन आज अगर कहा जाए कि जापान देश मस्जिदों का भी देश है तो शायद यह गलत नहीं होगा। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि किसी समय पर जहां जापान में 15 मस्जिदें बताई जाती थी वहीं खबरों के अनुसार आज वो मस्जिदें बढ़कर 113 के आंकड़े तक आ पहुंची है। तो कह सकते हैं ना कि जापान मस्जिदों का भी देश है। खैर, यही नहीं, जापान में ना केवल मस्जिदों की संख्या बढ़ी है वहां मुस्लिमों की आबादी में भी बड़ा बदलाव देखा गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो जापान में मुस्लिमों की संख्या में भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। आंकड़े के अनुसार जापान में मुस्लिमों की संख्या साल 2000 से 10 से 20,000 बताई गई थी लेकिन आज वही संख्या बढ़कर 2,00,000 के करीब पहुंच गई है। यानी इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जापान में मुसलमानों की संख्या कितनी तेजी से बढ़ रही है। लेकिन मुद्दा ये नहीं, मुद्दा मुस्लिम जनसंख्या के बढ़ने का नहीं बल्कि मुस्लिम जनसंख्या के बढ़ने के साथ ही कहीं ना कहीं मजहबी तनाव भी बढ़ने का है और यही चीज जापान के शांति को भंग कर रही है। चलिए यहां हम आपको इस मजहबी तनाव के बारे में ठीक से चर्चा कर बताते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जापान में बढ़ता जा रहा मजहबी तनाव कुछ समय पहले का तो नहीं है, ये काफी समय से ही है, लेकिन ये मामला सामने तब आया जब जापान की एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हुई। इस वीडियो में घटना का रिकॉर्ड किया गया है। ये घटना थी जापान के कोबे शहर में मौजूद शिंटो धर्म के धर्मस्थल की, जिस पर एक बड़ा हमला हुआ। ये बड़ा हमला मुस्लिम प्रवासियों द्वारा किया गया था जहां मुस्लिम प्रवासियों ने प्रार्थना के बीच में घुसकर एक महिला से ये कहा था कि यहाँ केवल एक ही ईश्वर है और वो है अल्लाह और कोई ईश्वर नहीं, और धर्मस्थल में काफी तोड़फोड़ भी की। लेकिन यह घटना एक वीडियो में कैद कर ली गई जिसके बाद यह वीडियो वायरल होते ही हर जगह तूफान सा गया। जापानी इसको देखकर काफी भड़क गए। उन्होंने कहा कि जापान में हर धर्म के लोगों को अपना धर्म मानने की आजादी है, लेकिन अगर धर्म के नाम पर ये लोग इस तरह
करते हैं तो यहाँ हम साथ नहीं रह सकते। इस तरह सोशल मीडिया पर मुस्लिम विरोधी इस्लाम विरोधी कमेंट की मानो बारिश आ गई। वहीं एक यूजर ने यह भी लिखा कि इस्लाम का टारगेट पूरी दुनिया पर कब्जा करना है, ये जापान के नजरिए की तरह नहीं है, इसलिए हम साथ नहीं रह सकते। वहीं दूसरी तरफ जापान की जनता मुस्लिम्स से बेहद ज्यादा भड़की हुई है, यहां तक कि सरकार से ज्यादा जनता जापान से इस्लाम को खत्म करना चाहती है। अब यहां देखा जाए तो इस तरह का विरोध करने वाले मुसलमानों का होना मुसलमानों के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि सच तो यह है कि समुदाय के सभी लोग एक जैसे नहीं होते। एक रिपोर्ट के अनुसार जापान के मूल मुसलमान वहां के जापानी धर्म के लोगों को इस्लाम कबूल नहीं करवा रहे, ये काम तो पाकिस्तान इंडोनेशिया और बांग्लादेश से आए लोग कर रहे हैं। असल में जापान में एशिया के अलग अलग हिस्सों की छोटी इमिग्रेंट्स कम्युनिटी पहुंच रखती है। एक अनुमान के अनुसार जापान में 80-90% जो मुसलमान है वो ज्यादातर इंडोनेशिया पाकिस्तान ईरान और बांग्लादेश से आए हुए हैं, जिनकी संख्या अनुमान अनुसार बताई गई थी कि जापान में मुस्लिम इमिग्रेंट्स की संख्या करीब 1,00,000 से ज्यादा की है। अगर यहाँ जापान में मुस्लिमों की एंट्री पर बात की जाए तो इसकी शुरुआत 16वीं शताब्दी में हुई, जब जापान बिजनेसमैन ने मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट में अपना बिजनेस बढ़ाया और इस दौरान जापानियों की मुलाकात इस्लामी रीति रिवाजों से हुई, जिसके बाद 19वीं शताब्दी का समय आया जब इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ तुर्की भारत और मिडिल ईस्ट के कई मुस्लिम वहां पहुंचे, जिसके बाद से यहां इस्लाम का फैलना शुरू हुआ और 20वीं शताब्दी तक आते आते जापानियों ने इस्लाम अपनाना शुरू कर दिया। इस तरह देखा जाए तो जापान के मुस्लिमों में लगभग 10% ही हैं, जिनमें से बड़ी संख्या में तो उन जापानी महिलाओं की है, इन्होंने विदेशी मुस्लिमों से शादी के बाद इस्लाम कबूल कर लिया। जहां एक तरफ जापान में मजहबी तनाव बढ़ता जा रहा है, वहीं जापान में लगातार हिंदू धर्म से बढ़ता हुआ लगाव भी सामने आ रहा है। यहां कहना गलत नहीं होगा कि जापान में हिंदू धर्म को मानने वालों की संख्या कम है, लेकिन यह भी सच है कि बौद्ध धर्म भी हिंदू धर्म से ही निकला है, जो जापान की आबादी का बड़ा हिस्सा है। यहां आपको बता दें कि जापानी लोग हिंदू धर्म के 20 देवी देवताओं की पूजा करते हैं। यही नहीं, यहां तो आपको भारतीय संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी। जापान में गणेश, ब्रह्मा, गरुण, वायु और वरुण देवता की पूजा की जाती है। यहां सबसे ज्यादा भगवान शिव, गणेश और सरस्वती को पूजा जाता है। बताया जाता है कि जापान की संस्कृति के गठन में हिंदू धर्म का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। असल में माना जाता है कि शुरुआत शताब्दी में कोरिया प्रायद्वीप के जरिए यहाँ कई बुद्धिस्ट और परंपराएं जो हिंदू धर्म के साथ परंपरा को साझा करते हैं वो जापान में फैल गए थे, जिसे 7 Gods of Fortune की वजह से भी जाना जाता है, क्योंकि इन 7 में से 4 हिंदू देवताओं के ऊपर रूप में उभरे हुए हैं, जैसे विश्वराव या फिर कुबेर, जिसे वहाँ व्योष्मोन कहा जाता है। इस तरह वहाँ सरस्वती का रूप महाकाल यानी शिव जी और लक्ष्मी जी के रूप को भी देवी के रूप में माना जाता है। यानी आप समझ सकते हैं कि जापान में शुरुआत से ही हिंदू धर्म की झलक रही है, लेकिन हिंदू कभी भी कन्वर्जन जैसे मामले में सामने नहीं आए। खैर, वहीं अगर भाषा की बात करें तो जापानी भाषा में कई शब्द संस्कृत से लिए गए हैं। जापान में संस्कृत और तमिल भाषा के करीब 500 शब्द लिए गए हैं। जापान की भाषा में कई संस्कृत शब्द सुनाई देते हैं। यही नहीं, माना जाता है कि इस भाषा का आधार संस्कृत है। इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि जापान में सनातन धर्म की एक अलग ही वैल्यू है। वैसे वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।